गोपोर्स में दलाली ली गई है। जनता दल बना, कांग्रेस की सरकार नवासी में चली गई, जनता दल की सरकार आई। 1114 करोड़ का घपला सामने आ गया है। मायावती जेल जाने की नौबत है। सपा ने भी हर मुस्लिम की चाल खेली और वो कि हम मंदिर बनाएंगे। आज बीजेपी का, मोदी जी का वो हाल है, एक से एक कोई पूछ नहीं आती है। जब उसका अंत टाइम आता है तब वो कहता है गैया दान बचिया दान। मीटिंग क्या आज बरेली जनपद के हरू नगला में सुरेंद्र मिश्रा जी के आवास पर जिला कांग्रेस कमेटी की मासिक मीटिंग हो रही है। हमने एक बात कही है लोगों से, तमाम हमारे साथी यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ के भी आसपास के गांव के हर जगह के, कि हमने ही मैखाने को मैखाना बनाया, हमने ही मैखाने को मैखाना बनाया और हमारे ही मुकद्दर में कोई जाम ना आया। निजामे मैकदा बिगड़ा है कुछ इस कदर साकी, उन्हीं ने जाम पाए हैं जिन्हें पीना नहीं आया, जो सरकार चलाने काबिल नहीं थे। आज 30 साल से उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं है, निश्चित रूप से इसमें हमारे उन लोगों को साथ अन्याय हुआ है जो हकदार थे मंत्री बनने के, एमपी बनने के, एमएलए बनने के। आज हम यहाँ पर ये संदेश देते हैं अपने कांग्रेसजनों को कि बूथ स्तर तक अगर आप मजबूत 20 यूथ अगर आप बूथ मजबूत नहीं करेंगे तो आगे आने वाला भी समय भी आपके हाथ में नहीं होगा। इसलिए हर बूथ पर कम से कम 20 लोगों को जोड़कर आप कांग्रेस पार्टी के संगठन को मजबूत बनाएंगे। इसी में आपकी और हमारी सबकी भलाई है और सांप्रदायिकता और सद्भाव को मिटाने वाले जो लोग हैं उनसे हमें निजात पानी है। जय हिंद, जय भारत।